जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में बेटा हमारी डिस्कशन चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पहला चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन, देखते हैं बेटा क्या मसाइल हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं लास्ट क्लास के इश्यूज का एंड देन फिर आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। बेटा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर हमने ये डिस्कशन कर ली थी कि ऑफर क्या होती है, तो या अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो क्लास हमने पढ़ाई की शुरू करी थी उसमें हमने ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट को जब इनफोर्सिबिलिटी मिल जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदल जाएगा। ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होनी चाहिए। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन करी कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो प्रोमिसेस होते हैं। नॉर्मली जिंदगी में जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं बेटा, दे आर बायलैटरल, एक पार्टी का प्रॉमिस और सामने से दूसरी पार्टी का प्रॉमिस। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स बायलैटरल होते हैं, यूनिलैटरल जिसमें एक पार्टी का प्रॉमिस होता है और फिर सामने वाला बंदा परफॉर्मेंस देता है, और फिर कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने कहा था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट बायलैटरल यूनिलैटरल भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में दोबारा रिवाइज कराऊंगा। फिर हमने ऑफर के मसाइल पढ़े कि ऑफर क्या होती है, ऑफर का क्लियर एंड सर्टेन होना लाजिम है, अगर वो वेग है तो वो ऑफर नहीं है। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी सर्टेन, वेग ना हो, क्योंकि अगर वो वेग है तो फिर वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर बन जाएगी। ओके, गेंटिंग वर्सेस लायन का केस पढ़ा था, लकी हॉर्स, तो कोर्ट ने कहा था कि वर्ड लकी हॉर्स इज वेग, इज अनक्लियर, इज अनसर्टेन। व्हाट डू यू मीन बाय लकी हॉर्स? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आप क्लैरिफाई करें कि लकी हॉर्स का क्या मतलब है। याद करें बेटा, वी डिस्कस दिस ऑल इन द प्रीवियस क्लासेस। फिर हमने ये पढ़ा के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन is not an offer, provision of information is not an offer, Harvey versus Fessy, bumper help bumper haul pan, what is the lowest possible price at which you will sell it, was just a provision of information. Then counter offer, Hyde versus Ranch, Stevenson versus McLean, Jones versus Daniel, battle of forms, British Road Service versus Crutchley, Butler Machine Tools versus Excel Corporation. फिर कभी कभार हमारे एक्शंस एक्सेप्टेंस शो कर देते हैं, पर्सी वर्सेस आर्किटेल, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। आई होप आप ये तमाम चीजों को डेली डेली पढ़ रहे हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरेंस, लॉ याद करने का नाम है, आपको चीजें याद करनी है। देन हमने लास्ट क्लास में बात शुरू करी थी इन्विटेशन टू ऑफर। बेटा इन्विटेशन टू ऑफर एक ऐसी वेग स्टेटमेंट है, क्या है बेटा, ऐसी वेग स्टेटमेंट है जिसकी करंटली कोई लीगल हैसियत नहीं है। देखिए, गौर से सुनिएगा, एक ऐसी वेग स्टेटमेंट, एक ऐसी अनक्लियर स्टेटमेंट है, एक ऐसी अनसर्टेन स्टेटमेंट है जिसकी बेटा करंटली कोई लीगल हैसियत नहीं है, बिकॉज इट्स वेग, इज अनसर्टेन, इट्स अनक्लियर। इन्विटेशन टू ऑफर की करंटली कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्टार्ट ऑफ डीलिंग के लिए कही जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर मैं आपको अपनी पेंसिल के फीचर्स बता रहा हूं, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर का क्लियर एंड सर्टेन होना लाजिम है, इनविटेशन टू ऑफर वेग है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है। ओके बेटा, हमने पढ़ा था कि आई एम विलिंग टू सेल दिस पैन, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। प्राइस, फॉर हुम द ऑफर इज ओपन, द वैलिडिटी पीरियड, किसी चीज पर क्लैरिटी नहीं। आई मे सेल दिस फोन, इट्स नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वेग है। ऑफर, आई एम विलिंग टू सेल दिस फोन फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस, फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस, कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर ये मोबाइल बेचने के लिए तैयार हूं, एंड आई एम सेलिंग दिस फोन टू यू, देयर नीड्स टू बी सम क्लैरिटी एंड सम सर्टेनिटी।
ऑफर क्लियर एंड सर्टेन होगी, इनविटेशन टू ऑफर हमेशा वेग होगी, इनविटेशन टू ऑफर की कोई लीगल हैसियत नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती। आई होप यू पीपल रिमेंबर द केस ऑफ गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, जहां मिस्टर गिब्सन ने मैनचेस्टर सिटी काउंसिल से पूछा कि भाई व्हाट विल बी द प्राइस एट विच यू विल सेल द काउंसिल प्रॉपर्टी। सो मैनचेस्टर सिटी काउंसिल से दैट वी मे बी विलिंग, वी आर, ये नहीं का वी आर विलिंग का, वी मे बी विलिंग टू सेल इट फॉर 2180 pounds। तो गिब्सन ने कहा भाई इट्स वेरी हाई प्राइस, आपका तो सारा पाथ भी टूटा हुआ है। तो दे सेड के नो भाई, इफ वी विल सेल इट तो हम इसी प्राइस पर बेचेंगे। सो मिस्टर गिब्सन सेड के ओके, आई एम रेडी टू परचेज फॉर 2180 pounds। तो मैनचेस्टर सिटी काउंसिल ने कहा वी नेवर सेड कि हम अभी बेच रहे हैं, वी सेड वी मे बी विलिंग, व्हेन, टू हूम, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। So, बेटा इनविटेशन टू ऑफर एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वेग है, जो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगी। देखिए पेपर में ये आ जाता है, एक ऑफर है और एक इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर क्लियर एंड सर्टेन होगी हमेशा, ऑफर हमेशा वाजे होगी, डिफाइंड होगी, जबकि इनविटेशन टू ऑफर वेग होगी। ऐसे समझ लें बेटा कि ऑफर इतनी डिफाइंड होती है ऑफर कि उसे उसके करंट फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है। बेटा ऑफर इतनी क्लियर एंड सर्टेन होती है ऑफर कि उसे उसके करंट फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सकता है, जबकि इनविटेशन टू ऑफर एक वेग स्टेटमेंट है जिसे हम उसके करंट फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो वेग होती है। वी नीड टू टॉक मोर कि इनविटेशन टू ऑफर में क्लैरिटी लाने के लिए हमें मजीद बात करनी पड़ेगी अगले से। आई एम विलिंग टू सेल दिस पेंसिल, तो अब हमें बात करनी पड़ेगी, व्हेन, एट व्हाट प्राइस, इज इट फॉर एवरीवन और फॉर स्पेसिफिक पीपल, हमें बात करनी पड़ेगी अगले से। ओके नाउ बेटा, नॉर्मली जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स होते हैं, वो सब भी इन्विटेशन टू ऑफर ही होते हैं, क्योंकि वो वेग होते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं, उनमें कोई क्लैरिटी नहीं होती कि वो किन के लिए ओपन है। जैसे भी मैंने एड में एक बर्गर लगाया हुआ है, एक बर्गर है उस पर लिखा हुआ है ₹500। सो व्हाट इज द वैलिडिटी डेट, फॉर हुम द ऑफर इज ओपन, अनक्लियर है ना, अनक्लियर है। ओके बेटा, हम एड लगा रहे हैं, हम कोई गुड डिस्प्ले पर लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एन ऑफर, वो इनविटेशन है। जैसे मैंने एक शॉप पर फॉर एग्जांपल एक रिमोट डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, एक रिमोट डिस्प्ले पर लगा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है ₹200, इज इट एन ऑफर? नो, नो, इट्स नॉट एन ऑफर। व्हाई इट इज नॉट एन ऑफर? बेटा इसमें कहां लिखा है कि इट इज अवेलेबल फॉर सेल टूडे? इसने कहां लिखा है इट इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर एवरीवन? तो आपने कहा फिर दुकान पर क्यों रखा है? यार मेरी दुकान है यार, मेरी मर्जी में जो चाहे रखूं, ये क्या बात है दुकान में क्यों रखा है? मेरी दुकान है, मेरी मर्जी यार, मैं जो चाहे रखूं। ये बहस कहां से आ गई कि दुकान पे क्यों रखा है? इट्स माई शॉप। तो बोला प्राइस क्यों लिखी? बोला मुझे मालूमात देने का शौक है कि मेरी चीज कितने की है। तो सर क्या दुकान में पड़ी चीज ऑफर हो सकती है? यस हो सकती है, अगर वो क्लियर एंड सर्टेन हो। जैसे रिमोट लगा हुआ, नीचे लिखा हुआ अवेलेबल फॉर सेल ₹500, ऑफर वैलिड फॉर 3 days ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 22nd of April थर्सडे, एंड दिस ऑफर इज फॉर एवरीवन, क्लियर एंड सर्टेन। इफ इट इज क्लियर एंड सर्टेन देन इट इज एन ऑफर, एंड इफ इट इज वीक then it's not an offer, then it is an invitation to offer. Offer है तो clear and certain होनी चाहिए, offer है तो clear and certain होनी चाहिए, invitation to offer है तो vague होगी, offer होगी तो वाजे होगी, offer होगी तो clear होगी, offer होगी तो certain होगी, invitation to offer है तो vague होगी।
एडवर्टिजमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफ सेल आर नॉर्मली रिगार्डेड एज इन्विटेशन टू ऑफर एज दे मे रिक्वायर टू बी फर्दर निगोशिएटेड एज दे आर वेग अनक्लियर. However, it needs to be evaluated that whether the advertisement is for unilateral or bilateral. अच्छा अब ये unilateral वाले मसले पर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा patience सही होगा, थोड़ी देर में उस पर आऊंगा. While shopping goods, display of goods at shop window is an invitation to offer, and then taking goods to the counter amounts as an offer. Which can be accepted or rejected by the shopkeeper. बेटा जो सामान डिस्प्ले पर लगा हुआ है, जो सामान डिस्प्ले पर लगा हुआ है वो इन्विटेशन टू ऑफर है. आपको सामान उठाकर काउंटर तक जाते हो वो ऑफर होती है, फिर दुकान वाला उसे एक्सेप्ट करता है. सर जो सामान डिस्प्ले पर लगा हुआ है वो ऑफर क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेग है. सिर्फ सामान डिस्प्ले पर लगा हुआ हो ना और उस पर लिखा हुआ है ₹300, तो सिर्फ इतना लिख देना उसे ऑफर नहीं बना देगा. ऑफर के लिए तो उसे मजीद क्लियर और मजीद सर्टेन और मजीद डिफाइंड होना लाजिम है. खाली ये रिमोट लगाकर ₹300 लिख देना, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर के लिए तो उसे क्लियर सर्टेन और डिफाइंड होना लाजिम है. रिमोट लगावाओ, नीचे लिखावाओ अवेलेबल फॉर सेल ₹300, ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे दैट इज थर्सडे एंड फॉर एवरीवन, देन इट इज डिफाइंड. खाली डिस्प्ले कर देना इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. इन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा बेटा बायलैटरल आपने पहले वर्ड पढ़ा है कि जिसमें दो प्रोमिसेस होते हैं, और आमतौर पर दुनिया में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं. जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका प्रॉमिस है यू विल पे द फीस, और मेरा प्रॉमिस है कि आई विल टीच यू, तो इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू डू प्रॉमिस, एंड देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्ले इज यूजुअली रिगार्डेड एज इनविटेशन टू ऑफर एज टर्म्स नीड टू बी निगोशिएटेड फर्दर. However, if the advertisement or display is clear and certain, then it may be regarded as an offer. जैसे मैंने कहा ना कि इसके नीचे सारी बातें लिखी हुई हूं, तो then it can be an offer. But normal हालात में it is not an offer and it is an invitation to offer. Offer के लिए उसका clear and certain होना लाजिम है. देखिए बेटा मैं थोड़ा सा रिवर्स जाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा. ऑफर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्लियर एंड सर्टेन हो, इतनी क्लियर एंड सर्टेन कि जो अपने करंट फॉर्म में एक्सेप्टेबल हो, जो अपने करंट फॉर्म में अपनी करंट हालत में एक्सेप्ट की जा सके वो ऑफर है. और अगर उस स्टेटमेंट में वेगनेस है, सब्जेक्टिविटी है, तो फिर वो ऑफर नहीं है, फिर वो ऑफर नहीं है, फिर वो इन्विटेशन टू ऑफर है, फिर वो वेग है, फिर वो अनसर्टेन है. सर ऑफर तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या करती है? इन्विटेशन टू ऑफर कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर कोई बाइंडिंग स्टेटमेंट ही नहीं है, वो तो एक वेग स्टेटमेंट है. इन्विटेशन टू ऑफर तो एक वेग स्टेटमेंट है, एक अनक्लियर स्टेटमेंट है, एक अनसर्टेन स्टेटमेंट है. बेटा इनविटेशन टू ऑफर की कोई लीगल हैसियत नहीं है. आई वॉन्ट टू सेल दिस पेंसिल, इस स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है. आई वॉन्ट टू सेल दिस पेंसिल, इस स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है, बिकॉज इट्स वेग. देयर इज नो क्लैरिटी कि मैं किसे बेचूंगा, कितने में बेचूंगा, कब बेचूंगा. आई वॉन्ट टू सेल दिस पेंसिल टू मिस्टर ए for ₹500, this offer is only valid for today, that is Thursday. Now it is defined. Now it is clear. Now it is certain. I want to sell this pencil. This is something which is vague, which has no
binding power, binding effect. Vegvat, I want to sell this pencil. At what price? To whom? What is the validity date? Invitation to offer vegya. Offer clear, certain or defined cheese. Gibson versus Manchester City Council, we may be willing to sell the property for £2180. We may be. Kab bechenge, abhi bechenge. There is no clarity. Normally, beta, jo advertisements hote hain, jo display of goods hote hain, wo sab vague hi to hote hain. Unme kahan hoti hai clarity? Khali shop par ek remote laga hua hai aur us par price likhi bhi hai. So will it make an offer? No. Kab tak ye valid hai? Kiske liye valid hai? There is no clarity. Haan, agar aap detailed statement likho, so then it can be an offer. Then it can be an offer. Maine akhbar mein ad lagaya, I want to sell this remote. It is a rare piece of 19th century. Its price is 400 rupees. Only one piece available. It is on first come first served basis. And the offer is only valid for 3 days starting from Thursday. Now it is so detailed, so clear that you can accept it without any further negotiation. Then it is an offer. Lekin agar wo vague hai, they likh diya remote for sale. अरे भाई कितने में किसे कब तक ऑफर ओपन है कुछ भी तो नहीं बताया. ओके, देयर वाज अ केस ऑफ फिशर वर्सेस बेल. एक बंदे ने अपनी शॉप पर कुछ ऑफेंसिव वेपन्स डिस्प्ले पर लगाए. एक बंदे ने अपनी शॉप पे कुछ ऑफेंसिव वेपन्स डिस्प्ले पर लगाए. The police was like that you are selling those weapons. उसने कहा सर, I am not selling those weapons. They are just on display. सवाल उठा, क्या डिस्प्ले करने का मतलब सेल है? तो कोर्ट ने कहा नो, डिस्प्ले इज इनविटेशन टू ऑफर. बेटा मेरी शॉप पर ये रिमोट पड़ा हुआ है, क्या इसका मतलब ये बेचने का? नो, इट इज ऑन डिस्प्ले. वेग है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिस्प्ले का मतलब ऑफर नहीं है, वेग है. जब कस्टमर काउंटर तक लेकर आता है तो ऑफर होती है. फिशर वर्सेस बेल. शॉप में कुछ ऑफेंसिव वेपन्स थे जो डिस्प्ले पर थे. तो कोर्ट ने कहा डिस्प्ले करने का मतलब हरगिज हरगिज ऑफर नहीं है. डिस्प्ले इज एन इनविटेशन टू ऑफर एंड ही इज नॉट सेलिंग दोज वेपन्स. उसने सिर्फ डिस्प्ले पर लगाए. अ पर्सन वॉज डिस्प्लेइंग ऑफेंसिव वेपन्स फॉर सेल. पुलिस एक्यूज्ड हिम दैट ही वॉज सेलिंग ऑफेंसिव वेपन्स. Court held that only displaying goods cannot be regarded as a sale. He is only displaying goods and he may reject the offer when someone offers to buy those goods. ये केस आप लोगों ने अपने AS में भी पढ़ा हुआ है literal rule के अंदर कि display में और sale में फर्क है, क्योंकि display invitation to offer है. Display invitation to offer है. Similarly, there was a case of pharmaceutical company versus Boots. एक साहब ने कुछ medicines shelf के ऊपर रखी हुई थी, तो पुलिस ने कहा था कि you are selling these medicines और इस पर pharmacist का खड़ा होना लाजिम है. तो उसने कहा कि सर, sale shelf पर नहीं होती, sale counter पर होती है और मेरा counter पर जो cashier खड़ा है वो pharmacist है. कोर्ट ने कहा he is right. Why is he right? क्योंकि शेल्फ पर लगाना सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, सेल तो काउंटर पर होती है और उसका कैशियर फार्माकिस्ट है. कोर्ट ऑफ लॉ हेल्ड दैट डिस्प्ले ऑफ मेडिसिन ऑन शॉप शेल्फ वॉज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर टू परचेज मेडिसिन इज मेड ऑन काउंटर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय शॉप. क्लेम वॉज हेल्ड बाय पुलिस दैट एट द टाइम ऑफ सेल फार्माकिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट. Shop held that pharmacist was present at counter and it was not required at every shelf. क्योंकि shelf पर sale थोड़ी हो रही. कानून उस वक्त ये था कि जहां ये दवाइयां बिकेंगी वहां pharmacist का खड़ा होना लाजिम है.
तो बोला सर बिकती तो काउंटर पर है ना, शेल्फ पर थोड़ी बिकती, शेल्फ तो इनविटेशन टू ऑफर है, कस्टमर वो दवाई लेकर जब काउंटर पर आता है तो वो ऑफर है। और हमारा फार्माकिस्ट, हमारा काउंटर पर्सन फार्माकिस्ट है। तो देखिए बेटा समझें चीजों को, चीजें डिस्प्ले पर लगाना या एडवर्टाइजमेंट लगाना, चीजें डिस्प्ले पर लगाना या एडवर्टाइजमेंट लगाना ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। क्योंकि डिस्प्ले पर लगाना इज वेग, कोई क्लैरिटी थोड़ी है कि किसके लिए फॉर सेल है। डिस्प्ले पर लगाए से प्राइस लिखी भी है, कब तक ऑफर वैलिड है, किसके लिए वैलिड है। बेटा यानी यहां समझ लो कि यहां कोर्ट लिटरल रूल इस्तेमाल करती है कि कोर्ट कहती है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर उस वक्त मानेंगे जब वो क्लियर एंड सर्टेन होगी। अगर वो वेग है तो हम उसे ऑफर नहीं मानेंगे, जब वो क्लियर एंड सर्टेन होगी तभी हम उसे ऑफर का दर्जा देंगे। और क्लियर एंड सर्टेन से मुराद है कि वो प्राइस पर क्लैरिटी रखे, वो क्लियर हो वैलिडिटी डेट पर, फॉर हुम द ऑफर इज ओपन, सब्जेक्ट मैटर, ये तमाम चीजों के ऊपर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक उस स्टेटमेंट को बेटा ऑफर का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि वो स्टेटमेंट इनविटेशन टू ऑफर के दर्जे में रहेगी। ओके, सो इनविटेशन टू ऑफर अ वेग स्टेटमेंट, a vague statement, unclear statement, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। Gibson versus Manchester City का answer, we may be willing to sell the property for 2180 pounds. We may be willing to sell the property for 2180 pounds. It's vague. It is an invitation to offer. Fisher versus Bell, display of weapon in shop is an invitation to offer. वो ऑफर नहीं है यार, मैंने सिर्फ वेपन डिस्प्ले किया, मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं अभी बेच रहा हूं। मैंने कब बोला ऐसा? मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं ये आपको बेच रहा हूं, सिर्फ डिस्प्ले पर रखा। भाई जब भी कस्टमर लेकर आता है काउंटर पे तो मैं कह देता हूं कि इट्स नॉट फॉर सेल, तो बोला फिर शॉप पर क्यों रखा? अरे यार मेरी शॉप है यार, मेरी मर्जी में जो चाहे रखू यार, शॉप पर रखने को आप सेल क्यों समझ रहे हो? एंड सेम फार्मास्यूटिकल वर्सेस बूट्स, काउंटर मेडिसिन के काउंटर पर, मेडिसिन के शेल्फ्स पर, शॉप में शेल्फ्स लगे हुए थे, शॉप के अंदर शेल्फ्स लगे हुए थे, तो उनके ऊपर आपने मेडिसिन रखी हुई है, तो पुलिस का ये कहना था कि यू आर सेलिंग दोज मेडिसिन। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं बेच रहा भाई, आपको किसने बोला? शॉप के शेल्फ पर रखने का मतलब इनविटेशन टू ऑफर है, सेल काउंटर पर होती है। तो वहां कानून असल में यह था कि जहां वो मेडिसिन बिकेगी वहां फार्माकिस्ट का होना लाजिम है, तो बोला काउंटर पे है तो फार्माकिस्ट। तो पुलिस कहती थी हर शेल्फ पर खड़ा करो, उसने कहा नो, सेल शेल्फ पर नहीं होती, शेल्फ तो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, सेल काउंटर पर होती है। Similarly, there was a case of Patridge versus Crittenden. A person advertised that some rare birds worth 25 cent each. Is it an offer? Kya ye offer hai? To bola hargiz nahi. Kya ye offer hai? Bola hargiz nahi. Bilkul bhi offer nahi hai ye. Hai bhi? Beta kya ye offer hai? Bola bilkul bhi nahi. Ye bilkul bhi offer nahi hai. Kyun hogi ye offer? Kyun hogi ye offer? उससे सिर्फ यही तो लिखा है रेयर बर्ड्स वर्थ 25 सेंट, इसमें ऑफर कहां है? इट्स वेग। कहां बोला कि ये आपके लिए ओपन है? वैलिडिटी डेट कहां है? कुछ भी नहीं है, इट्स वेग। तो बच्चे ने कहा सर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कोर्ट भी जानता है कि बेवकूफ बना रहा है, एड बेचने के लिए लगाया जाता है, कोई एड ऐसी ऐसी बताने के लिए लगा रहा है कि मेरे पास रेयर बर्ड है 25 सेंट का है। बेटा यहां कोर्ट लिटरल रूल यूज कर रहा है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के चैप्टर में कोर्ट की जो अप्रोच है वो लिटरल रूल है, बस ये याद रख लो, ये इसका सबसे अच्छा जवाब है। कोर्ट की जो अप्रोच यहां है बेटा वो कौन सी अप्रोच है? लिटरल रूल की अप्रोच है, और लिटरल रूल में कोर्ट अल्फाजों को अहमियत देता है।
लिटरल रूल में कोट किसको अहमियत देता है बेटा? अल्फाजों को अहमियत देता है। कोट बड़ा इस पर क्लियर है यार कि मैं किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर उस वक्त मानूंगा जब वो क्लियर एंड सर्टेन होगी। अगर उसमें वीकनेस है तो वो ऑफर नहीं है, और अगर वो ऑफर नहीं है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं। पुलिस प्रोसिक्यूटेड हिम यानी उसके खिलाफ केस किया ऑन द बेसिस दैट ही वाज सेलिंग रेयर बर्ड्स। कोर्ट क्वैश्ड कैंसल्ड हिज कॉन्विक्शन, जो इल्जाम लगा उसे कैंसल कर दिया ऑन द बेसिस दैट एडवर्टाइजमेंट डज नॉट अमाउंट टू ऑफर and it does not amount to a sale, he is just making an invitation to offer. beta 25 number ke sawal hai ye. main hamesha kehta hu a to law mein ratta nahi hai, bas samajh lo kahani ki tarah khud yaad ho jayega. counter offer padha tha, counter offer kya, offer ke against ek offer, hyde versus ranch padha, फिर रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टीवेंसन वर्सेस मैकलीन पढ़ा, छोटी सी बात भी ऐड कर दी जोन्स वर्सेस डैनियल पढ़ा, बैटल ऑफ फॉर्म्स ब्रिटिश रोड सर्विस वर्सेस क्रचली, बटलर मशीन टूल वर्सेस एक्सेल कॉर्पोरेशन, पर्सी वर्सेस आर्केटेल एंड ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। नाम याद होने चाहिए और कहानी चल रही हो बस दिमाग। इन्विटेशन टू ऑफर एक चीज है, अनक्लियर है, कोई लीगल हैसियत नहीं है। Gibson versus Manchester City cancer, we may be willing to sell, we may not this ke we are willing, we may be willing, then advertisement display of goods for sale, Fisher versus Bell, pharmaceutical versus Boots, Patridge versus Crittenden, advertisement lagana display par lagana, it's just an invitation because normally it is way. लेकिन अगर वो बहुत क्लियर एंड सर्टेन हो देन इट कैन बिकम एन ऑफर। बट मैंने क्या बोला, नॉर्मली इट इज वे, नॉर्मली इट इज वे। ओके अगेन सर ये मोबाइल कितने का है? मैंने कहा इट्स लाइक 1 लाख रुपीज, 1 लाख का मोबाइल है, क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? नो, इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये रिमोट कितने का है? 500 रुपए का है, क्या ये ऑफर है? नो, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। मैंने कब कहा मैं तुम्हें बेच रहा हूं? ये रिमोट कितने का है? 500 का है, लाओ मैं ले रहा हूं। मैंने कहा मैंने कब कहा तुम्हें बेच रहा हूं भाई, ये खुशफहमी है आपकी कि मैं आपको बेच रहा हूं। ये रिमोट कितने का है? 500 का है। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट्स अ वीक स्टेटमेंट, आपको बेच रहा हूं ये तो कभी भी नहीं बोला भाई। देखो ना सिंपल कानून है, अगर क्लियर एंड सर्टेन है, डिफाइंड है तो ऑफर है, वेग है तो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर हमें बाउंड करती है, इनविटेशन टू ऑफर हमें बाउंड नहीं करती। शोइंग अ प्राइस लिस्ट इन द शॉप डू नॉट मींस दैट ऑफर इज मेड। प्राइस लिस्ट शो करने का हरगिज हरगिज मतलब ऑफर नहीं है, रादर इट इज एन इन्विटेशन टू ट्वीट in which a person is providing information. Granger versus Goff, court of law held that showing a price list was just an invitation to offer rather than offer, as showing price list is just providing information. aapne kaha price list hai, maine kaha ye bola mujhe ye sab chahiye, maine kaha main aapko nahi bech raha, to aapne kaha price list kyun di, kya tumne mangi maine de di, maine kab kaha ki main tumhe bhi itne mein hi bechunga। Clifton versus Plambo, a person made a statement that he agrees to offer his machine for 6 lakh and that he will give sufficient time to other person to consider other matters and finalize an agreement on them. Kya baatein clear hai? No, dekho khud bol raha hai to consider other matters and finalize the agreement on them. Iska matlab hai baatein vague hai भाई, ऑल मैटर्स आर नॉट डिसाइडेड। बोला ना कि हम बाकी बातों पर डिस्कशन करेंगे, तो ऑल मैटर्स आर नॉट डिसाइडेड। तो अगर ऑल मैटर्स आर नॉट डिसाइडेड तो ये कुछ भी हो सकती है, ऑफर नहीं हो सकती मेरे भाई, ये कुछ भी हो सकती है लेकिन ये ऑफर नहीं है। ऑफर होती तो क्लियर एंड सर्टेन होती।
court of law held that even this statement was just an invitation to treat, as all matters are still not decided. It was an invitation to treat, yani koi legal haisiyat nahi hai. क्यों? क्योंकि हमने तो सिर्फ प्राइस ही बताई ना, खाली प्राइस बता देना ऑफर नहीं है. सर ये मोबाइल कितने में बेचोगे? 1 लाख का बेचूंगा. स्टिल इट इज इनविटेशन. मैंने ये कब बोला कि अभी बेच रहा हूं? आपने कहा ये भी तो नहीं बोला कि अभी नहीं बेच रहे. मैंने कहा यानी बात वेग है ना, बात वेग है ना, तो फिर ऑफर तो हुई नहीं, फिर तो इन्विटेशन. सर ये रिमोट कितने का है? बेटा 500 का है. ये ऑफर है? नो, इट इज एन इन्विटेशन. आपने पूछा, मैंने बता दिया. सर ये पेन कितने का है? 10 रुपए का. मैं ये पॉइंटर 20 रुपए का बेचूंगा. जो भी इंटरेस्टेड हो वो आ जाए, बाकी बातें फाइनलाइज कर लेते हैं. स्टिल इट इज एन इनविटेशन. जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाए, बाकी बातें फाइनलाइज कर लेते हैं. मतलब बाकी बातें भी होना बाकी है ना. सो इट्स एन इनविटेशन. ऑफर शुड बी क्लियर एंड सर्टेन. ऑफर शुड बी क्लियर एंड सर्टेन. इन्विटेशन टू ऑफर होगी तो वेग होगी. इन्विटेशन टू ऑफर होगी तो वेग होगी. ऑफर शुड बी क्लियर एंड सर्टेन. वी विल फाइनलाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स. इट्स एन इन्विटेशन. ओके, मैं अगेन बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा रिव्यू दूंगा, ताकि आपके दिमाग के अंदर रट्टा लग गया, घुस जाए दिमागों के अंदर. इन्विटेशन टू ऑफर वेग स्टेटमेंट, अनक्लियर स्टेटमेंट, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है. वेग स्टेटमेंट और अनक्लियर स्टेटमेंट जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है. ऑफर क्लियर एंड सर्टेन है, जबकि इन्विटेशन टू ऑफर एक वेग स्टेटमेंट है. ओके, देन गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल. We may be willing, it's vague. Fisher versus Bell, the advertisement plea, it's vague. Oh, sorry, display of goods, it was vague. Khali offensive weapon display kar dena offer thodi ho, to ek vague statement hai. Then, pharmaceutical versus boots, medicines shelf par laga dena. मेडिसिन शेल्फ पर लगा देना, इट्स एन इनविटेशन. वी नेवर मेड अ क्लियर स्टेटमेंट. खाली डिस्प्ले पर लगी नहीं भाई, इसमें ऑफर कहां से? इट्स इनविटेशन, इट्स वेग. पैट्रिज वर्सेस क्रिटिंडन, रेयर बर्ड्स वर्थ 25 सेंट्स, इट्स वेग. कब बताए कि अभी बेच रहे हैं, कल बेच रहे हैं, अगले साल बेचेंगे? आप आए बोला लाओ रेयर बर्ड 2.25. मैंने कहा भाई वो तो 2 साल बाद भेजूंगा, सेल करूंगा. तो आपने कहा ये कहां लिखा? तो आपने कहा ये भी कहां लिखा हुआ है कि अभी बेच रहा हूं? इट्स वेग. प्राइस लिस्ट शो करना, इट्स अ वेग स्टेटमेंट. जाहिर है प्राइस लिस्ट शो करने का मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको चीजें बेच रहा हूं. ओके बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे ना, तो यकीन करो ए टू लिखना बहुत आसान है. ए एस में रट्टे हैं, लर्निंग है. ए टू में ऐसा नहीं है. ए टू तो बड़ा मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है, रियल लाइफ सिचुएशन है. लेकिन अब एक छोटी सी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है. एक छोटी सी चीज है बेटा जिसे आपको समझने की जरूरत है, उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल. ये गौर से सुनने की जरूरत है. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? मैंने कॉन्ट्रैक्ट की पहली क्लास में डिस्कस भी किए थे. यूनिलैटरल क्या होते हैं? जिसमें एक बंदा प्रॉमिस करता है और अगला बंदा डायरेक्ट परफॉर्मेंस देता है. बेटा यूनिलैटरल के अंदर कोर्ट ने, सुनिएगा, कोर्ट ने सम एलिमेंट ऑफ लेवरेज दिया हुआ है. मैंने वर्ड क्या यूज किया? सम एलिमेंट ऑफ लेवरेज दिया हुआ है. सम एलिमेंट ऑफ लेवरेज दिया हुआ है. What do you mean by some element of leverage दिया हुआ है? For example, मैंने कहा कि यार मेरा रिमोट खो गया है, मेरा रिमोट खो गया है, and whoever will find it, I will pay him 1,000 rupees. मेरा रिमोट खो गया है, जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1,000 रुपए दूंगा. बेटा बजाय इसमें वेगनेस है,
कि वो कब तक ढूंढ के ले आए, मैं 1000 रुपए कब दूंगा, क्या ये ऑफर सबके लिए ओपन है। लेकिन एक बंदा गया, वो ये रिमोट ढूंढ के ले आया, उसने मुझे रिमोट दिया, बोला अवैस भाई 1000 रुपए दे। तो मैंने उसे कहा कि यार मेरी जो स्टेटमेंट थी वो तो वेग थी, और वेग स्टेटमेंट, जो वेग स्टेटमेंट होती है उस पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। मैंने तो कहा था जो भी रिमोट ढूंढ के लाएगा उसे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन ये आपको आधे घंटे में ढूंढ के लाना था और आप तो 2 दिन बाद ढूंढ के लाए। मैंने कहा यार ऐसा कहां लिखा था कि आधे घंटे में ढूंढ के लाना है, तो आपने कहा ये भी तो नहीं लिखा था कि 2 दिन में ढूंढ के लाना है। इसका मतलब है बात वेग है, और अगर बात वेग है तो वो इन्विटेशन है, वो ऑफर तो है ही नहीं। मैंने कहा यार बात तो ये सही है, लेकिन मैं कोट गया। मैंने कहा देखें सर, माना कि इनकी बात वेग थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरी गलती है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि कितनी देर में ढूंढ के लाना, लेकिन सर अब मैं परफॉर्मेंस दे चुका हूं, प्लीज गिव सम लेवरेज, सम स्पेस। लेवरेज माने थोड़ा नरमी का मामला करें। तो फिर यूनिलैटरल जिसमें प्रॉमिस के अगेंस्ट डायरेक्ट परफॉर्मेंस आती है, यूनिलैटरल जिसमें प्रॉमिस के अगेंस्ट डायरेक्ट परफॉर्मेंस आती है, तो यूनिलैटरल में इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर माना जाएगा। यानी यूनिलैटरल इज एन एक्सेप्शन। बेटा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें प्रॉमिस के अगेंस्ट डायरेक्ट परफॉर्मेंस आ जाती है। मेरा रिमोट खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा आई विल पे हिम 1000 रुपीज, ये यूनिलैटरल है ना। मेरा रिमोट खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा आई विल पे हिम 1000 रुपीज, ये यूनिलैटरल है, ये वेग है, ये यूनिलैटरल है, और ये वेग भी है। यहां वेग क्यों है? क्योंकि मैंने ये तो नहीं बताया कितनी देर में ढूंढ के लाना। लेकिन कोर्ट कहता है कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में हम इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर मानेंगे, हम इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर मानेंगे। यानी आम हालात में जिन चीजों को हम वेग समझ के इनविटेशन के डब्बे में डाल देते थे, यूनिलैटरल के अंदर हम उन्हें ऑफर के हेड में काउंट करेंगे। जैसे मिसाल है, अगर मैं कहता रिमोट फॉर सेल ₹1000, रिमोट, सुने बेटा, रिमोट फॉर सेल ₹1000, तो ये बायलैटरल है ना, सेल इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, रिमोट फॉर सेल ₹1000, तो फिर आप प्रॉमिस करोगे यस आई वांट टू परचेज इट। रिमोट फॉर सेल ₹1000, ये बायलैटरल है, मैंने प्रॉमिस किया, अब आप भी प्रॉमिस करोगे। रिमोट फॉर सेल ₹1000, ये वेग है, ये वेग है, बायलैटरल है और वेग है। तो कोर्ट कहता है कि हम इसे इनविटेशन के डब्बे में डालेंगे और इस स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं, क्योंकि रिमोट फॉर सेल टू होम, ऑन विच डे, क्लैरिटी तो नहीं है। रिमोट फॉर सेल ₹1000, आप आधे घंटे बाद आए, बोला लाओ दो रिमोट। मैंने कहा सर ये ऑफर तो 15 मिनट की थी। आपने कहा ऐसा कहां लिखा था कि 15 मिनट की है? मैंने कहा ऐसा कहां लिखा है कि 2 घंटे की थी? वेग है ना, बायलैटरल में वेग चीज इन्विटेशन है और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। यूनिलैटरल अगर हो कि मेरा रिमोट खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा मैं 1000 रुपए दूंगा, तो यूनिलैटरल में अगले ने प्रॉमिस नहीं कर रहा होता। यूनिलैटरल में तो बस अब लोग डायरेक्ट ढूंढने लग जाएंगे, लोग डायरेक्ट ढूंढने लग जाएंगे। तो यूनिलैटरल के अंदर, सुने बेटा, यूनिलैटरल के अंदर इन्विटेशन टू ऑफर भी ऑफर का दर्जा रखती है, इनविटेशन टू ऑफर भी ऑफर का दर्जा रखती है। किसके अंदर? यूनिलैटरल के अंदर, यूनिलैटरल के अंदर इनविटेशन टू ऑफर भी ऑफर का ही दर्जा रखती है। कारिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एड लगाया था अखबार में कि जो भी हमारा स्मोक बॉल यूज करेगा और वो ठीक नहीं हुआ तो हम उसे £100 देंगे, और एडवर्टाइजमेंट तो इनविटेशन टू ऑफर होती है, आपने पढ़ा हुआ है। मिस कैरल ने वो स्मोक बॉल खा लिया, वो ठीक नहीं हुई, शी फाइल्ड अ केस।
तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा यस, ये तो वेग स्टेटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट तो वेग होती है, और एडवर्टाइजमेंट तो इनविटेशन टू ऑफर है, और हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो कोर्ट ने कहा दो, यूनिलैटरल में हम इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर का दर्जा देंगे। यूनिलैटरल में हम इनविटेशन टू ऑफर को भी किसका दर्जा देंगे? ऑफर का दर्जा देंगे। अगर आपको याद हो, एक केस मैंने आपको स्टार्ट में और रीड करवाया था, नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विदाम। नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विदाम, ये भी तो यूनिलैटरल की सिचुएशन थी। नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विदाम भी तो बेटा यूनिलैटरल की सिचुएशन थी। तो आप चाहो तो एक केस रेफरेंस यहां और डाल दो, जितने भाई आप रेफरेंस तो याद ही करके जा रहे हो ना, या भी रेप्लिकेट कर दो। नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विदाम, नॉर्दर्न रेलवे ने ये कहा था कि हम 100 पाउंड देंगे हर उस बंदे को जो यॉर्क से लंदन तक चल कर आएगा। तो मिस्टर विदाम चलते चलते टक 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 आ गए। तो नॉर्दर्न रेलवे ने कहा कि भाई वो तो हमारी स्टेटमेंट वेक थी, एडवर्टाइजमेंट थी। कोर्ट ने कहा यूनिलैटरल में, यूनिलैटरल में हम इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर का दर्जा मानेंगे, क्योंकि अगले बंदे ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी है। ओके? अगर आप चाहें, जैसे अगर मैं यही केस अपनी वर्डिंग में लिखूं, देखो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। आओ जरा मैं अपनी वर्डिंग में ये केस लिखता हूं, तो आप लोग के दिल में जो खौफ होता है ना कि यार सर हम पेपर में कैसे लिखेंगे, आइए जरा खुद से लिखते। नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विदाम, बस अब आपको कहानी याद होनी चाहिए। इन दिस केस, इन दिस केस Court of law held that advertisement placed by Northern Railway that they will pay 100 pounds to anyone who walks from York to London will be regarded as an offer, will be regarded as an offer, will be regarded as an offer, despite that advertisements are normally vague, and regarded as invitation to offer. आम तौर पर वो वेग होती हैं और invitation to offer के दर्जे में होती हैं, are normally vague and regarded as invitation to offer. Mr. Vidam was rightfully entitled
to get 100 pounds when he walked from York to London and accepted offer given in advertisement. Offer given in advertisement. देखें बेटा, अब देखो मैंने इस केस की कहानी को मेरी करंट सिचुएशन से कनेक्ट कर दिया कि आमतौर पर एडवर्टिजमेंट, आमतौर पर जो एडवर्टिजमेंट होती है उससे हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं, लेकिन इस केस में हम इसे ऑफर मानेंगे. इन दिस केस कोर्ट ऑफ लॉ हेल्ड दैट एडवर्टिजमेंट प्लेस्ड बाय नॉर्दर्न रेलवे दैट दे विल पे 100 पाउंड्स टू एनीवन हु वॉक्स फ्रॉम यॉर्क टू लंदन will be regarded as an offer, despite that advertisements are normally vague and regarded as invitation to offer. ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? तो ऐसा कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि ये यूनिलेटरल था. देखो बेटा, आमतौर पर वेग स्टेटमेंट इन्विटेशन टू ऑफर है, आमतौर पर वेग स्टेटमेंट इन्विटेशन टू ऑफर है, लेकिन यूनिलेटरल के अंदर जिसमें प्रॉमिस के अगेंस्ट डायरेक्ट परफॉर्मेंस होती है उसमें वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं कहलाएगी बल्कि ऑफर कहलाएगी. सिमिलरली कारल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, मिस कैरल ने भी तो उस एडवर्टिजमेंट के जवाब में ही स्मोक बॉल खाया था. तो कोर्ट ने कहा था कि वैसे तो एडवर्टिजमेंट वेग होती है और उससे हम इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं, लेकिन 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 क्योंकि मिस कैरल के केस में यूनिलैटरल की सिचुएशन है, क्योंकि मिस कैरल के केस में बेटा यूनिलैटरल की सिचुएशन है, लिहाजा हम उसे इनविटेशन टू ऑफर नहीं बोलेंगे बल्कि हम उसे ऑफर बोलेंगे. बेटा बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट द पॉइंट. मैं रिपीट कर रहा हूं बात को. इन्विटेशन टू ऑफर एक वेग स्टेटमेंट है, इनविटेशन टू ऑफर एक वेग स्टेटमेंट है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है. ऑफर क्लियर होगी. और बेटा यहां कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट लिटरल रूल फॉलो करता है, यहां कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट सख्त लिटरल रूल फॉलो करता है कि क्लैरिटी होना लाजिम है. बहुत सख्त है यहां कोर्ट. जरा सी वेगनेस होती है तो कोर्ट उसे इनविटेशन के डब्बे में डाल देता है. गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर, एडवर्टिजमेंट्स एंड डिस्प्लेज आर नॉर्मली रिगार्डेड एज इनविटेशन. एडवर्टिजमेंट एंड डिस्प्लेज आर नॉर्मली रिगार्डेड एज इनविटेशन, यानी हम उन्हें आमतौर पर ऑफर के डब्बे में नहीं डालते, हम उन्हें इन्विटेशन के डब्बे में डालते, हम उन्हें इनविटेशन टू ऑफर के डब्बे में डालते हैं, क्योंकि आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्लेज वेग होते हैं. लेकिन अगर मेरे दोस्त यूनिलैटरल का केस है, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल क्या होता है? जिसमें प्रॉमिस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, अगर उसका केस है तो फिर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो नॉर्मली इन्विटेशन होती हैं उन्हें हम ऑफर काउंट करेंगे, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि बेशक आपकी बात वेग थी लेकिन अगले ने तो परफॉर्मेंस दे दी ना, तो हम उसको फेवर करेंगे क्योंकि वो एक्ट कर चुका है. ओके? फिर इसमें निगोशिएशंस की डिस्कशन है, टेंडर की बातचीत है, टाइम टेबल्स और टिकट ऑफिसेस की बात है, ऑक्शन सेल्स की डिस्कशन है. सही, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे. एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं बेटा, थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश हो जाएं और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं. 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू. ओके, सो ब्रेक से पहले बेटा हम क्या बात कर रहे थे कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर
इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर का दर्जा दिया जाएगा, बिकॉज कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये कि अगला बंदा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट हो चुका है, तो कोर्ट उससे एक लेवरेज दे रहा है, एक मैं बोलूं जैसे प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके नाउ, अच्छा बेटा याद रखिएगा, अगर हमने ये एग्री किया है कि वी विल निगोशिएट इन फ्यूचर, तो ये भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे अक्सर लोग होते हैं एक मेमोरेंडम साइन कर लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई हम लोग फ्यूचर में कभी डील करेंगे। तो अगर ऐसा कोई मेमोरेंडम वगैरह या कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है कि वी विल निगोशिएट फर्दर इन फ्यूचर, तो वो भी सब इनविटेशन टू ऑफर है, वो भी ऑफर के दर्जे में नहीं आएगा। लास्टली कोर्ट ऑफ लॉ हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट एग्रीमेंट फॉर नॉट सेलिंग गुड्स टू एनीवन एंड टू निगोशिएट फर्दर ऑल्सो अमाउंट्स टू इनविटेशन टू ऑफर रादर देन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम निगोशिएट फर्दर करेंगे ना। Reason being a fact that if further negotiations are to be done, then it cannot be regarded as offer and acceptance situation. Okay. However, if parties have agreed that the contract and have promised with each other on entire contract and promised that they will negotiate only particular clause later, and that clause will not affect the existence of entire contract, then this agreement will be valid. Considered as a valid contract, as parties have agreed to a contract except a particular clause. हाँ, देखो बेटा मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपके साथ पूरा contract agree कर लिया है, हमने कहा कि भाई हमारे दरमियान तमाम बातें तय पा गई हैं, सिवाय इस particular term के, और वो term ऐसी है जिसकी वजह से contract की overall existence को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर court ये कहता है कि then we can कंसिडर के भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर एक टेनेंट है उसके साथ, या कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील है, अक्सर बिजनेस डील्स में ऐसा होता है कि बेटा बिजनेस डील्स फेजेस में होती है, बड़े बड़े जो मर्जर्स होते हैं वगैरह होते हैं वो एक दिन में नहीं हो जाते, फेजेस में होते हैं। फेजेस का मतलब क्या है कि आज हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा एग्री कर लिया, और हमने कहा कि भाई ये पार्ट अब हमारे दरमियान एग्रीड है, फिर हमने कहा कि भाई दूसरा हिस्सा अब ये एग्रीमेंट है, तीसरा हिस्सा, ऐसे हम पीस बाय पीस एग्री कर रहे होते हैं। तो अगर मेजर कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो जाए और हमारे दरमियान ये तय पा जाए कि हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है सिवाय एक पर्टिकुलर क्लॉज के, और वो एक पर्टिकुलर क्लॉज कोई छोटी मोटी माइनर बात हो, तो फिर कोर्ट कहता है कि अगर उस पर्टिकुलर क्लॉज से ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगी तो हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि भाई इस पॉइंटर की प्राइस 50 रुपए तय हो गई, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे, तो बेटा बाकी सारी तो फिर बहुत सारी बातें हैं ना। लेकिन मिसाल के तौर पर एक बिजनेस रेंटल एग्रीमेंट है, रेंट एग्री हो गया, डेट वगैरह एवरीथिंग एग्री हो गई, बस हमारे दरमियान रेंट इंक्रीज की परसेंटेज एग्री नहीं हुई कि हर साल कितना रेंट बढ़ेगा, तो फिर एक पर्टिकुलर क्लॉज बाकी है। देखो इस बात को समझो, बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करेंगे तो फिर मेजरली वेग है, और अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज ऐसा है जो कि वेग है और उसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगी, उसकी वजह से पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगी, भाई एक ऐसा क्लॉज है जो कि छोटा मोटा क्लॉज है जो अनएग्रीड है और उसकी वजह से ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगी, तो फिर कोर्ट ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान के उस क्लॉज को अलग कर देगा। लेकिन अगर कोई मेजर क्लॉज है जो एग्री नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट उसे इन्विटेशन टू ऑफर मानेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं बेटा, अगर हमारे दरमियान ये तय पाया है कि हम फर्दर निगोशिएट करेंगे, तो कोर्ट कहता है कि अगर फर्दर निगोशिएट करेंगे तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। प्लीज सुने बेटा, अगर फर्दर निगोशिएट करेंगे तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। अगर हमारे दरमियान सारी बातें तय हो जाए और कोई एक आधी छोटी मोटी बात रह जाए और वो छोटी मोटी बात ऐसी हो जिससे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की
एग्जिस्टेंस अफेक्ट ना हो रही हो, तो फिर कोर्ट उसे उस पूरे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मानकर उस छोटी मोटी बात को अलग कर देगा, लेकिन वो छोटी मोटी बात ही हो। लेकिन अगर हमारे दरमियान अभी बहुत सारी बातें तय होना बाकी हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, बल्कि अभी इनविटेशन टू ऑफर का मामला चल रहा है। तो बेटा इनविटेशन टू ऑफर के अंदर हमने क्या क्या बातें करी, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर हमने क्या क्या बातें करी बेटा, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर हमने ये देखा कि ये एक वेग स्टेटमेंट है जिसमें कोई बाइंडिंग पावर नहीं है, एक अनडिफाइंड और अनक्लियर स्टेटमेंट है, एक अनडिफाइंड और एक अनक्लियर स्टेटमेंट है। गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल, फिर आपने ये देखा कि एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये सब वेग ही होते हैं, सब इनविटेशन है। फिशर वर्सेस बाल पैट, पैट्रिज वर्सेस क्रिटिन, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वर्सेस बूट्स, प्राइस लिस्ट, सही ही सारे केसेस आपने देखे, ग्रैंगर वर्सेस गफ, क्लिफ्टन वर्सेस प्लैम्बो, और फिर आपने यूनिलैटरल पर बात करी थी ब्रेक से पहले कि यूनिलैटरल में कोर्ट ने थोड़ा आसानी का मामला रखा है, और कोर्ट ये कहता है कि यूनिलैटरल के अंदर सिर्फ हम एक फेवर कर रहे हैं कि यूनिलैटरल के अंदर हम इन्विटेशन टू ऑफर को भी ऑफर मानेंगे, क्योंकि यूनिलैटरल में अगला बंदा परफॉर्मेंस देना शुरू हो चुका होता है। नाउ बेटा अब एक चीज होती है टेंडर। टेंडर क्या होता है बेटा, अक्सर अखबारों में टेंडर का इनविटेशन आता है। टेंडर उस वक्त लगाए जाते हैं जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 100,000 पॉइंटर्स खरीदने, अगर मैंने 100,000 पॉइंटर्स खरीदने और मैं चाहता हूं मुझे सब लोग अपनी अपनी कोटेशन जमा कराएं, अगर मैंने 100,000 पॉइंटर्स खरीदने और मैं चाहता हूं सब मुझे अपनी अपनी कोटेशन जमा कराएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अखबार में एक एड लगाऊंगा, अखबार में या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी मैं अपना एक एड लगाऊंगा, उस एड को बोला जाता है इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स। टेंडर इटसेल्फ का मतलब क्या है कि सब अपनी अपनी प्राइस लिस्ट और अपनी अपनी प्रोफाइल दें, सब अपनी अपनी डिटेल्स जमा करवाएंगे। तो बेटा मैं अखबार में एक इनविटेशन ऑफ टेंडर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इनविटेशन, इनवाइट करूंगा, मैं अखबार में एक इनविटेशन ऑफ टेंडर लगाऊंगा कि भाई आई वांट टू बाय 1000 पॉइंटर्स, दोस हु वांट टू सेल मी, तो अपना अपना टेंडर जमा कराएं, अपनी अपनी कोटेशन जमा कराएं। तो वंस टेंडर्स आर इनवाइटेड, पीपल सबमिट देयर टेंडर्स एंड कोटेशन, सब अपने अपने टेंडर जमा कराएंगे, फिर मैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करूंगा। तो अब देखें बेटा, जो एडवर्टाइजमेंट लगी थी, जो क्या लगी थी, एडवर्टाइजमेंट जो के थी इनविटेशन ऑफ टेंडर्स कि सब अपने अपने टेंडर जमा कराएं, तो इसे हम कहते हैं कि ये है इनविटेशन टू ऑफर, कि हम सबको इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमें ऑफर करें, फिर सबने अपने अपने टेंडर जमा कराए, अपनी अपनी कोटेशन जमा कराई, तो वो हो गई ऑफर, और फिर हम कोई टेंडर सेलेक्ट करेंगे जिसे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो हो जाएगी एक्सेप्टेंस। ऐसा ही है। अब देखो बेटा, मेरा आपसे एक सवाल है, गौर से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। अगर मैंने टेंडर इनवाइट करे हैं, टेंडर इनवाइट करने का मतलब क्या है कि मैंने एड लगाया, अगर मैंने टेंडर इनवाइट करे यानी मैंने एड लगाया, तो ये इनविटेशन टू ऑफर हो गया, लोगों ने अपने अपने टेंडर जमा कराए, क्या मेरे लिए एक्सेप्टेंस करना जरूरी है या मेरी मर्जी है? अगर मैंने टेंडर इनवाइट करे हैं तो क्या मेरे ऊपर एक्सेप्टेंस करना जरूरी है या मेरी मर्जी है? सोचकर जवाब देना।
बेटा मैंने टेंडर इनवाइट करे, लोगों ने अपने अपने टेंडर जमा कराए, क्या मेरे लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है या मेरी मर्जी है? तो जवाब है बेटा मेरी मर्जी है, जरूरी थोड़ी है। एड लगाना इनविटेशन टू ऑफर है, और इनविटेशन टू ऑफर तो कभी भी बाउंड नहीं करती आपको, है भी? इनविटेशन एड लगाना तो एक इनविटेशन टू टेंडर है, और वो कभी भी आपको बाउंड नहीं करता। बेटा एड लगाना एक इनविटेशन टू टेंडर है, इनविटेशन टू ऑफर है, वो आपको कभी भी बाउंड नहीं करता। जो लोगों ने टेंडर जमा कराए वो एक ऑफर है। अब बेटा लोगों ने ऑफर करी है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये तो मेरी मर्जी है ना यार, कोई मेरे ऊपर लाजिम थोड़ी है कि अगर आपने टेंडर इनवाइट करें तो आप एक्सेप्ट करो ही करो। तो देखें इधर देखें, इफ अ पर्सन wants to buy any good, he places an invitation to tender in newspaper or anywhere. Once tenders are invited, people submit their tenders or quotation. Now this person has a choice to select from those tenders. He can reject all tenders and deny to buy goods without any contractual obligation. This means that invitation to tender is not an offer, it is an इनविटेशन टू ऑफर। जब हम टेंडर्स इनवाइट करते हैं कि लोग हमें अपने अपने टेंडर जमा कराएं, अपनी अपनी कोटेशन जमा कराएं, तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। बेटा जब हम टेंडर इनवाइट करते हैं तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। जब हम टेंडर इनवाइट करते हैं तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं। लोग अपने टेंडर जमा कराते हैं यानी अपनी अपनी कोटेशन जमा कराते हैं तो वो ऑफर है, जिसे अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट करें और चाहें तो रिजेक्ट कर दें। हम पर कोई पाबंदी नहीं है कि हम एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हैं। ओके, सो इनविटेशन टू टेंडर्स, invitation of tenders is also an invitation to offer. Invitation to tender, invitation to offer. Okay? So, beta, invitation to offer kya hai? Gibson versus Manchester City Council. Advertisement and display of goods ke upar baat hui. Phir humne price list ke upar baat kari. Unilateral ke upar baat kari. Further negotiations ke upar baat kari. इनविटेशन ऑफ टेंडर के भाई सब अपने अपने टेंडर जमा कराओ, यानी सब अपनी अपनी कोटेशन जमा कराओ, ये भी एक इनविटेशन टू ऑफर है। फिर जो सब अपने अपने टेंडर जमा कराएंगे तो वो ऑफर्स हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे। ये सब इसी के अंदर मसाइल चल रहे हैं बेटा। 25 नंबर का सवाल आता है इनविटेशन टू ऑफर, तो इसमें आप ये सब डिस्कस करते हो, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, प्राइस लिस्ट, unilateral, further negotiations, tenders. Okay? Then, display of timetable and ticket for transport. अब ये भी एक बहुत अहम मसला है बेटा। ट्रांसपोर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टिकट खरीदने से होता है या ट्रांसपोर्ट में बैठ जाने से होता है, देखो गौर करना बेटा। ट्रांसपोर्ट के अंदर जब हम फॉर एग्जांपल आप बस में जाकर बैठ गए, सुनिएगा मिसाल है बेटा, एक बस रोड पे जा रही, आप उस बस में जाके बैठ गए। अगर आपने कभी बस में ट्रेवल किया होगा तो यू मस्ट नो, आप गए और आप उस बस में जाकर बैठ गए। बेटा जब आप उस बस में बैठ गए तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या जब आप टिकट खरीदोगे तब कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है। मैं बस में जाकर बैठ गया तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या जब मैं टिकट खरीदूंगा तब कॉन्ट्रैक्ट होगा? बेटा याद रखिएगा, जब आप बस में जाकर बैठे हो, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मसला है। एक बच्चा कहता है कि सर जब टिकट खरीदते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मेरा इधर जवाब सुने बेटा, बस में जाकर बैठ जाओ, वो बस चलती हुई आगे जा रही है, थोड़ी आगे जाती है तो बंदा आता है, टिकट टिकट टिकट, तो
तभी तो आपने टिकट खरीदा ही नहीं, उतर जाओ दोबारा बस से, फिर दूसरी बस में चढ़ जाना, फिर थोड़ा आगे जाना, फिर उतर जाना, ऐसा शुरू कर देते। बेटा क्या टिकट खरीदने से कॉन्ट्रैक्ट होता है या बस में बैठने से कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो अब यहां समझिएगा बेटा, ये सब्जेक्टिव मामला है, ये सब्जेक्टिव मामला है। कुछ केसेस में बस में बैठ जाने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कुछ सिचुएशंस में टिकट खरीदने से कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेटा यहां पर कोर्ट के जो फैसले हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग फैसले, यानी कोर्ट ने यहां एक अप्रोच नहीं रखी हुई, कोर्ट ने यहां कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच रखी हुई है। बेटा गेम को समझे, एक बस रोड पे जा रही है, बस में जाकर बैठ गया, तो बस में बैठ जाना एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया कि आई विल पे। भाई अगर मैं बस में जाकर बैठ गया तो हो गया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल पे। तो सर इसका मतलब है बस में बैठने से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैंने अभी खाली टिकट लिया और मैं बस में बैठा नहीं हूं, जैसे बेटा एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो रोडों पे चल रही होती, उसमें तो हम पहले बैठ जाते हैं बाद में टिकट लेते हैं, लेकिन अगर आप इंटरसिटी बस में ट्रेवल कर रहे हो जो डेवो होती है, तो उसमें आप पहले टिकट लेते हो फिर बैठते हो। एरोप्लेन, पहले टिकट लेते हो फिर बैठते हो ना, एरोप्लेन में क्या करते हो, पहले टिकट लेते हैं फिर बैठते हैं। लेकिन जो रोड पर बस चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें हम पहले बैठ जाते हैं और फिर टिकट लेते हैं। बेटा अगर आप कभी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो 4M 11C, ये जो बसें रोड पर चल रही होती हैं, अगर आप इनमें बैठोगे तो आप पहले बैठ जाते हो फिर वो बंदा आता है टिकट लेने के, सर टिकट। तो बेटा यहां कोर्ट की कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच देखी गई है पास्ट में, लेकिन अगर मैं एक रूल बनाऊ ना, तो रूल ये है कि विच एवर हैपेंस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों में, दोनों तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड विच एवर हैपेंस फर्स्ट, क्योंकि अब आप कोर्ट के फैसले देखोगे तो यू विल गेट एन आईडिया। देखें, अ क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर दीज अमाउंट टू ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये जो टाइम टेबल डिस्प्ले करना है और ये जो टिकट्स हैं, ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन दैट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर्म, as in case if any accident is caused or bus is delayed, then whether claim can be filed or not. क्योंकि अगर contract हो गया होगा तो case हो सकता है। In different cases, court of law has given different decisions. यानी court की यहाँ approach contrasting approach है, जो टकराती है। Such as sometimes court regarded that purchase of ticket is acceptance. Whereas in some cases court held that entering a public transport is sufficient to amount his acceptance and there is no need to purchase ticket. कुछ केसेस में कोर्ट का यह कहना है कि आप खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर बैठ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुछ केसेस में कोर्ट का यह कहना है कि खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर बैठ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कुछ केसेस में कोर्ट का यह कहना है कि टिकट खरीदने से कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है। बट एक मार्केट की एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ये है कि विच एवर हैपेंस फर्स्ट, हम उस पर कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम कर लेते हैं, दोनों में से जो पहले हो जाए। इन डेंटोन वर्सेस GN रेलवे, कोर्ट हेल्ड दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर टाइमिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन बाय रेलवे अथॉरिटी अमाउंट टू एन ऑफर एंड पैसेंजर कैन एक्सेप्ट टू इट बाय परचेजिंग द टिकट। अगर रेलवे वालों ने टाइमिंग लगा दी और टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, तो कोर्ट ने यह कहा कि यह क्लियर एंड सर्टेन हो गया, क्योंकि टाइमिंग लग गए तो पता चल गया कि कब से कब तक की ऑफर है, तो हम इसे ऑफर मानेंगे और जब बंदा टिकट खरीद लेता है तो हम इसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे। यानी यहां से पता चला कि टिकट खरीदने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखते जाओ, Wilkie versus London Passenger, court of law held that offer is not made by displaying ticket and timetable, rather public transport available on road itself is an offer
एंड पैसेंजर गेटिंग इनसाइड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेक्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ फैक्ट दैट वेदर एनी टिकट इज परचेस्ड और नॉट. दिस मीन्स दैट इफ एनी एक्सीडेंट अकर्स देन ट्रांसपोर्ट कंपनी इज लायबल इररिस्पेक्टिव ऑफ अ फैक्ट दैट वेदर टिकट वॉज परचेस्ड और नॉट. यहां बोला कि टिकट लेना है, यहां बोला खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर हो जाना भी कॉन्ट्रैक्ट है. देखो बेटा, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर हो गया तो एक इंप्लाइड प्रॉमिस हो गया ना कि आई विल पे. कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉमिस से होता है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से थोड़ी होता. कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉमिस से होता है. जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एंटर हो गया बेटा, जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एंटर हो गया, मैं बस में घुस गया, तो इंप्लाइड प्रॉमिस हो तो गया कि आई विल पे. एक इंप्लाइड प्रॉमिस हो गया कि आई विल पे, तो कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट कोई परफॉर्मेंस से थोड़ी होता, कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉमिस से होता है. थ्रॉन्टन वर्सेस शू लेन पार्किंग. अब देखो यहां कोर्ट ने क्या कहा. कोर्ट ऑफ लॉ हेल्ड दैट प्रिंटिंग ऑफ अ टिकट फ्रॉम अ मशीन वॉज एन ऑफर एंड टेकिंग अ टिकट बाय कस्टमर वॉज एन एक्सेप्टेंस. हाउएवर स्टिल अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू एग्जिस्ट that purchasing ticket constitutes an acceptance or getting connected that is entering the public transport constitutes acceptance. yaane beta acha pehle to aap ye samajh lo ki parliament ka law nahi hai, ye court ke faisle hain aur court ke faisle aapas mein contradict kar sakte hain, conflict kar sakte hain, contrast kar sakte hain. ek case mein court ki ek approach hai, dusre case mein ho sakta hai court ki koi aur approach ho bhai. In different cases, court can have a different approach. It is possible. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये बिल्कुल possible है कि court की different cases के अंदर different approaches हों. Court की different cases के अंदर different approaches हों. कभी court की approach ये है कि भाई ticket खरीदोगे तो contract होगा, और कभी approach है कि bus में enter होगे public transport में तो contract होगा. जैसे बेटा एयरलाइन के अंदर जब हम टिकट खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. बेटा एयरलाइन के अंदर जब हम टिकट खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. एयरलाइन के अंदर जब हम टिकट खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. जो एयरलाइन कंपनीज हैं, रेल ट्रेन टिकट खरीदोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. डेवो जो बस होती है इंटरसिटी, जो बड़ी वाली बसेस होती है, टिकट खरीदोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. लेकिन जो रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके अंदर अप्रोच क्या है कि यू जस्ट एंटर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड. तो देखो बेटा यहां सब डिस्कशन क्या है कि देखो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर चल रही है वो एक ऑफर है. दो चीजें हो गई ना. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन रोड है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन रोड है वो एक ऑफर है, और एंटरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है? एक एक्सेप्टेंस है. क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंटर कर गए? ये एक एक्सेप्टेंस हो गई. एक केस ये है, ये केस वन है. केस टू क्या है? केस टू क्या है? केस टू ये है कि डिस्प्लेइंग टर्म्स एंड टाइम टेबल, जो एयरलाइन वाले टर्म्स और टाइम टेबल डिस्प्ले करते हैं वो एक ऑफर है, और परचेजिंग टिकट एक एक्सेप्टेंस है. तो ये दो सिचुएशंस हैं जो कि अभी फिलहाल कॉन्ट्रास्टिंग है, जिनके ऊपर कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है. डिस्प्लेइंग टर्म्स एंड टाइम टेबल एक ऑफर, और टिकट खरीदना एक एक्सेप्टेंस है. एक केस ये, और एक केस ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर चल रही है वो अपने आप एक ऑफर है, जो उसमें बैठ गया एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ओके, सो बेटा ये सारे मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर वो चीज ऑफर नहीं है तो वो चीज इनविटेशन टू ऑफर है. अगर वो चीज ऑफर नहीं है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है.
अगर वो इनविटेशन टू ऑफर है तो वो वेग है, अगर वो इनविटेशन टू ऑफर है, अगर वो इनविटेशन टू ऑफर है तो वो वेग है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, अगर वो क्लियर एंड सर्टेन है तो वो ऑफर है। तो सबसे बड़ा फड्डा यही तो डिमार्केट करना है कि इस चीज को मैं ऑफर मानू या इनविटेशन टू ऑफर मानू। जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे चल रही है उससे मैं ऑफर मानू या इनविटेशन टू ऑफर मानू। तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर चल रही है उसे हम ऑफर मानेंगे, उसे हम क्या मानेंगे, ऑफर मानेंगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन रोड है उसे हम ऑफर मानेंगे, जो बंदा बैठ गया उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। So these are the points of law which need to be clarified in the mind. Okay, display of goods in a shop invitation to offer है, लेकिन जो public transport road पर है वो एक offer है। सही, तो एक जगह display को invitation बोला गया और एक जगह display को offer बोला गया। जो public transport road पर है वो भी तो एक तरह display ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसके दरवाजे खुले होते हैं, आप जाकर बैठ जाए और पर एक्ट शुरू हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि फिर वो जो बस रोड पर चल रही है वो एक इंप्लाइड ऑफर है और जो जो उस बस में बैठ गया वो एक्सेप्ट करता जा रहा है। ओके, सो इनविटेशन टू ऑफर एक वेग स्टेटमेंट है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, जो हमें बाउंड नहीं कर सकती। एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर है। Then price list पर बात हुई, unilateral contracts पर बात हुई, further negotiation की situations पर बात हुई, tenders के ऊपर बात हुई। जो public transport road पर चल रही है it will itself be considered as an offer, और जो timetable office, जो timetable और tickets हैं वो भी offer है, जो display पर लगी हुई है, और जब आप खरीद लो तो वो acceptance है। यानी whichever happens earlier हम उसे उस पर कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। जैसे बेटा आप PIA की वेबसाइट पर जाओ तो उनका शेड्यूल आ रहा होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर। आपने टिकट खरीद लिया तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ लास्ट थिंग, ऑक्शन। व्हाट इज ऑक्शन बेटा? ऑक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जब हम कोई चीज सेल करते हैं, ऑक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जब हम कोई चीज सेल करते हैं। जैसे मिसाल, फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई आई वांट टू सेल दिस पेपर वेट, मुझे पेपर वेट बेचना है और ये 1000 साल पुराना पेपर वेट है जो मैं बेचना चाह रहा हूं और इसका ऑक्शन है एंड दिस ऑक्शन विल बी ऑन दिस डेट, दोज हु आर इंटरेस्टेड कम फॉर बिडिंग, ऑक्शन। फिर लोग इस पर क्या लगाएंगे, बोलियां। क्या लगाएंगे, बोली, बिड, बिड लगेंगी, बोलियां लगेंगी। फिर वो बिडिंग होगी 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 25,000 रुपए, 1, 25,000 रुपए, 2, 25,000 रुपए, 3। फिर हैमर स्ट्राइक होगा, ऑक्शन। बेटा ऑक्शन में एक टेक्निकल मसला है जो आपको समझना है, थोड़ा सा ऑक्शन टेक्निकल हो जाता है। ऑक्शन के अंदर दो तरह के ऑक्शंस होते हैं बेटा, जो ऑक्शंस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक ऑक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व। क्या कहते हैं, ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व। सर व्हाट इज ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व? मिनिमम रिजर्व का माने ऐसा ऑक्शन जिसके अंदर एक मिनिमम प्राइस फिक्स की गई हो। जैसे मैंने कहा कि भाई दिस पेपर वेट फॉर सेल एंड I will sell it for minimum 10,000 rupees. यानी 10,000 is the कम अज कम बोली, 10,000 से ऊपर बेचूंगा। Auction with minimum reserve, यानी minimum price fixed
बाय ऑक्शनियर, जो बंदा सेल कर रहा होता है, जो ऑक्शनियर होता है, उसने एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, 10,000 इज द मिनिमम प्राइस। अब 2 रुपए से बोली शुरू नहीं करना, 10 तो मिनिमम है, 10,000, 10,500, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, बोलियां लग रही, बोलियां लग रही, 25,000, 28,000, 30,000, 30,000 एक, 30,000 दो, ऐसे मिनिमम रिजर्व, मिनिमम प्राइस फिक्स करी है मैंने। कानून ये है कि इनविटेशन फॉर ऑक्शन, जब मैं ऑक्शन के लिए बुलाऊंगा, मे बी थ्रू एन एड, हो सकता है मैं कोई एड लगा दूं, हो सकता है मैं कोई एडवर्टाइजमेंट लगा दूं, या वॉट एवर इट इज, थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट और वॉट एवर मीन्स, तो इससे हम बोलेंगे कि ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। फिर लोग वहां आकर क्या लगाएंगे, बिड, बोली, बिड्स लगेंगी। जो बिड्स वो लगाएंगे वो होगी ऑफर, और एंड में एक हैमर स्ट्राइक किया जाता है, और वॉट एवर द ट्रेडिशन इज, हैमर स्ट्राइक जो किया जाएगा वो होगी एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये होता है, इस गुफ्तगू का मतलब क्या हुआ बेटा, इस गुफ्तगू का मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट अ पर्सन is not bound to sell, मैं बेचने के लिए पाबंद नहीं हूं, despite of inviting everyone for auction, despite of inviting everyone for auction, and even after the bidding, थोड़ा सा बेटा बात को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट द पॉइंट। ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व, जो मिनिमम प्राइस वाला ऑक्शन होता है, कोर्ट ये कहता है कि कोई प्राइस फिक्स नहीं है ना, मैंने कहा मैं कम से कम 10,000 में बेचूंगा, दिस मीन्स के 10,000 से ऊपर कहीं भी बेच सकता हूं बेटा, 10,000 से ऊपर तो 50 करोड़ रुपए भी आते हैं, 5 करोड़ भी आते हैं, 100 करोड़ भी आते हैं, 2,000 करोड़ भी आते हैं, 10,500 भी आते हैं, 25,000 भी आते हैं, डिफरेंट प्राइसेस आ सकती है ना। ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व, बेटा हम एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, हम क्या फिक्स कर रहे हैं बेटा, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि भाई हम इससे कम में नहीं बेचेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व है, अगर ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व है, तो जो एड आपने लगाया है वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, जो एड आपने लगाया है वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, जो आपने एड लगाया है वो इनविटेशन टू ऑफर है, और आप हरगिज हरगिज अगले बंदे को सेल करने के पाबंद नहीं हो। बेटा मिसाल के तौर पर मैंने सबको ऑक्शन के लिए इनवाइट किया, मैंने कहा भी आ जाओ, जमाना है कदीम का, एक पेपर वेट है विच इज फॉर सेल, सब आ गए, मिनिमम रिजर्व था 10,000 रुपए, बिडिंग शुरू हुई 10,500, 11,000, 12,000, 14,000, 18,000, 20,000, 20,001, 20,002, 20,003, मैंने पेपर वेट उठाया और लेकर वापस चला गया, हैमर स्ट्राइक ही नहीं किया। क्या मैं हैमर स्ट्राइक करने के लिए पाबंद था? नो, आप लोगों ने बिडें करी, वो ऑफर थी, मैंने नहीं बेचा, मेरी मर्जी, लाजिम थोड़ी है बेटा, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस लाजिम थोड़ी, मर्जी मेरी, मैंने नहीं बेचा, आई चेंज्ड माय माइंड। तो आप लोगों ने कहा सर फिर हमें बुलाया क्यों था, मैंने कहा तो आपकी मर्जी, आप क्यों आए, मैंने कहीं ऐड में थोड़ी बोला था कि मैं बेचने के लिए पाबंद हूं,
एड वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर, मैं नहीं बेच रहा, मेरी मर्जी। देखो, इन ऑक्शन सेल अरेंजमेंट देर आर टू प्राइमरी पार्टीज, बिडर दैट इज परचेजर ऑफ द गुड्स एंड सेलर दैट इज ओनर ऑफ द गुड्स हु ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। ऑक्शनियर इज द वन हु प्रोवाइड्स सर्विसेज जो उनको जो उस ऑक्शन को अरेंज करेगा, जो एजेंट है। यूजुअली ऑक्शन इज कंडक्टेड विद मिनिमम रिजर्व, दैट इज ओनर ऑफ द गुड स्पेसिफाइज दैट ही विल नॉट सेल द गुड्स बिलो अ सर्टेन प्राइस। इन दिस केस ऑक्शन सेल इज रिगार्डेड एज इन्विटेशन टू ऑफर एंड बिड्स मेड बाय बिडर आर रिगार्डेड एज ऑफर। Each bid is an offer which is cancelled by a counter offer made by other bidder. 10,000 is the minimum price. Pehli boli 10,500, dusre ne kaha 12,000, fir ek ne kaha 15,000, ek ne kaha 18,000. To har bid ek counter offer hai jo previous offer ko cancel karti jati hai. Offer is accepted when a hammer is struck by auctioneer on behalf of the owner of the good. आमतौर पर ओनर खुद नहीं खड़ा होता, ऑक्शनियर स्ट्राइक करता है। हैरिस वर्सेस निकर्सन, ऑक्शनियर प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, हाउएवर लेटर व्हेन ही डिनाइड टू सेल द गुड्स कोर्ट हेल्ड दैट ही हैज अ लेजिटिमेट राइट, लेजिटिमेट यानी लीगल राइट टू बैक ऑफ एज एडवर्टाइजमेंट और कंडक्ट ऑफ ऑक्शन is just an invitation and therefore it can be withdrawn before the hammer is struck. इससे पहले कि हैमर स्ट्राइक हो, हमारे पास पीछे हटने का रास्ता अवेलेबल है। इससे पहले कि हैमर स्ट्राइक हो, हमारे पास पीछे हटने का रास्ता अवेलेबल है, लेकिन एक बार हैमर स्ट्राइक हो गया फिर पीछे हटने का रास्ता नहीं है। Then you don't have a choice. ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व, एक ऐसा ऑक्शन जिसमें मिनिमम प्राइस फिक्स की गई है, एक ऐसा ऑक्शन जिसके अंदर मिनिमम प्राइस फिक्स की गई है, तो कोर्ट कहता है ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। कोर्ट कहता है कि ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। जो लोग बिडिंग करेंगे वो ऑफर करेंगे, जो लोग बिडिंग करेंगे वो ऑफर करेंगे, और जब हैमर स्ट्राइक होगा तो एक्सेप्टेंस होगी। जो लोग बिडिंग करेंगे वो ऑफर करेंगे, और जब हैमर स्ट्राइक होगा तब एक्सेप्टेंस होगी। इससे पहले कि हैमर स्ट्राइक हो जाए, आप पीछे हो सकते हो जो ऑक्शनियर है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व है वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, जो बिडे लग रही है वो ऑफर है। भाई मैंने एड लगाया आई विल सेल दिस पेपर वेट फॉर 10,000 रुपीज मिनिमम रिजर्व, और ऑक्शन कंडक्ट होगा। मिनिमम रिजर्व वेग है ना बेटा, कि इससे ऊपर पता नहीं कहां बेचा जाएगा। जो बिड्स हैं वो ऑफर है, और हैमर स्ट्राइक इज एक्सेप्टेंस। इससे पहले कि हैमर स्ट्राइक हो मैं पीछे हट सकता। British car auction versus Wright. Auctioneer was prosecuted for presenting cars in auctions which were not safe. Court held that he cannot be prosecuted on the basis of presenting goods in auction, as it is just an invitation to offer and it do not amount to offer for sale. एक auctioneer के खिलाफ केस हुआ कि आप ये खराब गाड़ियां बेच रहे हो। कोर्ट ने कहा भी उसने बेची नहीं है, क्योंकि ऑक्शन ऑफर नहीं है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। ऑक्शन ऑफर नहीं है बल्कि एक इनविटेशन टू ऑफर है। लेकिन एक और ऑक्शन की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्शन विदाउट मिनिमम रिजर्व। एक ऐसा ऑक्शन जो मिनिमम रिजर्व के बिना होता है, वो क्या होता है उस पर फिर हम बात करेंगे। अभी मैं यहां बात को रोकता हूं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए हमने क्या बात शुरू करी, इनविटेशन टू ऑफर पर हम बात कर रहे हैं।
बेटा इनविटेशन टू ऑफर एक ऐसी चीज है जो कि वेग है बेटा, इनविटेशन टू ऑफर एक ऐसी चीज है जो कि वेग है, जिसकी फिलहाल कोई लीगल हैसियत नहीं है, अ वेग स्टेटमेंट। गिब्सन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, फिर हमारी एडवर्टिजमेंट्स के ऊपर बात हुई, फिशर वर्सेस बेल, फार्मास्यूटिकल वर्सेस बूट्स, पैट्रिज वर्सेस क्रिटेंडन, शोइंग अ प्राइस लिस्ट, ग्रैंगर वर्सेस गॉफ, क्लिफ्टन वर्सेस प्लैम्बो, ये सब प्राइस लिस्ट शो करने वाले हो गए। देन यूनिलैटरल में कोर्ट इनविटेशन टू ऑफर को भी ऑफर मानेगा, क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगला बंदा परफॉर्मेंस देना शुरू हो गया, फर्दर निगोशिएट करेंगे, इट इज इनविटेशन टू ऑफर, क्योंकि बातें क्लियर नहीं है। टेंडर की जो इनवाइट होती है वो इनविटेशन टू ऑफर होती है, जो टेंडर्स आ रहे हैं वो एक ऑफर है, जिन्हें फिर हम सिलेक्शन ऑफ टेंडर करेंगे बाय एक्सेप्टिंग देम। फिर आपने क्या देखा, डिस्प्ले ऑफ टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स डिस्प्ले करना, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर चल रही है, तो कोर्ट ने यहां दो केसेस बनाए हैं, टाइम टेबल डिस्प्ले हो रहा है वो भी ऑफर है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पर चल रही है वो भी ऑफर है, टिकट खरीद के भी एक्सेप्टेंस हो सकती है और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर होके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, यहां कोर्ट ने दोनों अलाउ की। फिर हमने ऑक्शन पर बात करी है कि आमतौर पर जो ऑक्शन होता है बेटा वो विद मिनिमम रिजर्व होता है, जिसमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स की जाती है, ऑक्शन विद मिनिमम रिजर्व एक इनविटेशन टू ऑफर है, जब लोग आते हैं तो जो बिडिंग करते हैं वो ऑफर होती है, और फिर जो हम हैमर स्ट्राइक करते हैं वो एक्सेप्टेंस होती है, ये एक नॉर्मल ऑक्शन है। अभी इसमें एक और किस्म का ऑक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये लंबा चैप्टर है, अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ोगे यकीन करो ये लेक्चर्स और ये नोट्स आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे, ये आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। अब आप समझ लो कि तकरीबन चार क्लासेस चैप्टर पर और होनी है, चार चार मीटिंग्स में हो जाता है ये चैप्टर, और मजीद चार क्लासें और होंगी, फिर मैं इसके पास पेपर कराऊंगा, असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क दूंगा, फिर एकदम अंबार लग जाएगा और आप चीजों को पाइल अप करोगे, आप तंग हो जाओगे। डेली डेली याद करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 90 और 100 पेज के दरमियान पेजेस है, यूं निकाल लोगे तो 2 महीने में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पक्कर तैयार हो जाएगा, लेकिन बेटा डेली पढ़ना पड़ेगा, अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसको कमिटमेंट शो करना होता है, लेकिन उसमें लिबर्टी भी ज्यादा है, आप एक एक लेक्चर 10 बार सुनो, एग्जाम वाले दिन तक लेक्चर अवेलेबल है, बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुन लो, सही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, सही है बेटा, चलें खुदा हाफिज़।